हेलो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय यूट्यूब चैनल मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कैनेडा की गाड़ी तो आज हम बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा के बारे में अगर आप कनाडा आना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा में या किसी को आप इनवाइट करना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो बिना आपका टाइम वेस्ट करें चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो होता है वो है लेटर ऑफ इनविटेशन अगर आप कैनेडियन सिटीजन हैं या पीआर है या स्टूडेंट है, भी हैं और अगर आप अपने पेरेंट्स को या कोई और फैमिली मेंबर को इनवाइट करना चाहते हैं टूरिस्ट वीजा के लिए तो उसके लिए एक लेटर ऑफ इनविटेशन देना होगा जिसपे आप पर्पज ऑफ विजिट भी आपको डिस्क्राइब करना होगा कि आप अपने पेरेंट्स को या रिलेटिव को क्यों आप कैनेडा बुलाना चाहते हैं तो वो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन जो है लेटर ऑफ इन्विटेशन अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए प्रूफ ऑफ फंड्स तो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा तो आपके पेरेंट्स का प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें उनकी कम से कम लास्ट फोर मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन होना चाहिए मिनिमम अगर एक जना का खर्चा यहाँ पे लगा के चलो दो डॉलर है और छह महीने के लिए आ रहे हैं तो कम से कम बारह डॉलर का मिनिमम बैलेंस मेंटेन होना चाहिए अप्रॉक्सीमेट फिगर है ये उसके बाद चाहिए बैलेंस सर्टिफिकेट बैलेंस सर्टिफिकेट लेटेस्ट चाहिए फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में अगर आप अपना वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उससे एक दो दिन पहले जिस दिन वीजा अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन डाल रहे हो उससे एक दो दिन पहले का ही पुराना आपको बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए बैलेंस सर्टिफिकेट आपको बैंक से मिलेगा आपका बैंक का जो मैनेजर है उसमें साइन करके आपको देंगे आप जाएंगे बैंक आप उनको बताएंगे उनको कि आपको बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए तो आप डेफिनेटली वो आपको प्रोवाइड करेंगे इसके अलावा अगर आपके पास कोई शेयर्स है या पीएफ सर्टिफिकेट है तो वो भी अगर आप देंगे तो एक स्ट्रांग पॉइंट होता है फंड्स दिखाने के लिए इससे पता चलता है कि आपके पास सफिशियंट चाहिए इंप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट इंप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी आपके मॉम और डैड अगर जॉब कर रहे हैं या अगर आप किसी और रिलेटिव को बुला रहे हैं अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनका चाहिए ऑफर लेटर उनका चाहिए हमें आई उसके बाद उनका चाहिए सैलरी स्लिप ये डॉक्यूमेंट चाहिए अगर वो जॉब नहीं कर रहे इंडिया में या कहीं और दूसरी कंट्री में तो उनका बिजनेस इंफॉर्मेशन चाहिए बिजनेस डॉक्यूमेंट्स चाहिए अलोंग विद द जीएसटी नंबर ये नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके अलावा चाहिए आधार कार्ड आधार कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये भी अदर रिक्वायरमेंट्स में आता है इसके अलावा हमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स की नीड है जिसमें आता है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जिसमें आप अपना पासपोर्ट भी दिखा सकते हैं उसके बाद चाहिए हमें ट्रेवल प्लान ट्रैवल प्लान में क्या होगा कि अगर आप पर्पज़ क्या है आपके ट्रैवल करने का आपके फैमिली का या आपके पेरेंट्स का पर्पज़ क्या है अगर वो कोई वेडिंग अटेंड करने आ रहे हैं या आपसे सिर्फ सिर्फ कनाडा टूरिज्म के लिए आ रहे हैं अगर टूरिज्म के लिए आ रहे हैं तो कौन कौन सी प्लेसेस में जाएंगे एक ब्रीफ समरी उसकी भी चाहिए होगी उसके अलावा चाहिए पासपोर्ट जिसकी मिनिमम वैलिडिटी छः महीने की होनी चाहिए एक और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है जो है ट्रैवल हिस्ट्री ट्रेवल हिस्ट्री और जो अदर डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं आप ये सोचेंगे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की क्या नीड है तो जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो ये इंश्योर करता है कि आप ट्रैवल करने के बाद अपनी होम कंट्री में वापस जाएंगे तो वो ये इंश्योर करते हैं कि आपके स्ट्रांग रूट्स हैं अपनी होम कंट्री में आपके प्रॉपर एसेट्स हैं आपकी प्रॉपर फैमिली और अच्छी जॉब है ये सारे रीजंस वो फैक्टर करते हैं उसके बाद वो डिपेंड करता है कि आपको आपका वीज़ा अप्रूव होगा कि नहीं होगा तो जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे उतने हाई चांसेस होते हैं आपको आपका टूरिस्ट वीज़ा मिलने में ये सारे तो डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके पेरेंट्स या जिस रिलेटिव को आप बुला रहे हैं उसके अब बात करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स की क्या

दोस्तों जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है टोटली अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको प्रोवाइड करी है मैं एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सी की वेबसाइट के लिंक है एक बार टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने से पहले सारे लिंक चेक कर लेना मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कैनेडा की गाड़ी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मैं आऊँगा फिर अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ टिल दूसरे रब रखा -ra